आज हम कर रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। ये क्लास नाइन्थ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसके बारे में कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, इसकी खोज फ्रेंच के एक केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट ने 1779 में की थी। उसके अनुसार एक केमिकल कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, उनमें सेम एलिमेंट होते हैं। कोई भी कंपाउंड हो तो सेम एलिमेंट ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और सेकंड, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, और वो एक ही मास के साथ इकट्ठे होते हैं। तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है इस डेफिनेशन में। पहली कि केमिकल कंपाउंड में सेम एलिमेंट होने चाहिए और सेम प्रोपोर्शन के साथ ये इकट्ठे होते हैं, सेम प्रोपोर्शन बाय मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। अब इसे उदाहरण के साथ हम क्लियर करते हैं, एग्जांपल के साथ। हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। वाटर में हमने क्या नोटिस करते हो आप लोग कि उसमें सेम टू एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमारी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की पहली कंडीशन पूरी होगी कि जो वाटर होता है उसमें सेम टू एलिमेंट होंगे, कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे वह कंबाइंड टुगेदर बाय सेम प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि ये सेम प्रोपोर्शन में होंगे। इनकी रेशियो प्रोपोर्शन होती है 1:8, जिसे मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ कैसे ये 1:8 आया। इसमें वन पार्ट हाइड्रोजन का होता है, कहने का मतलब, और वाटर में को बनाने के लिए उसमें 8 पार्ट ऑक्सीजन होता है, जिसे हम आगे एग्जांपल के साथ सोल्व करते हैं कि आखिर ये 1:8 कैसे आया। वाटर का जैसे कि फार्मूला है कि इसमें H2 और प्लस होता है O, ऑक्सीजन। और जो हाइड्रोजन का मास है, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम 1 ग्राम, और मास ऑफ टू हाइड्रोजन एटम होता है 2 ग्राम। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम यूज़ हुए हैं, और मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम। और जो वाटर का फार्मूला है H2 और O, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का, तो मास हम कौन कौन सा लेंगे प्रोपोर्शन बनाने के लिए, 2:16, 2:16। और जिसे अगर हम कटिंग करें 2 के टेबल से तो आ जाता है 1:8। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें हमने किया है एग्जांपल अभी अभी वाटर का H2O, कि इसका अनुपात फिक्स रहता है, इसमें सेम एलिमेंट होते हैं और सेम ही प्रोपोर्शन बाय मास ये कंबाइंड होते हैं। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। सो थैंक्स।